मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है, मगर वो तो अभी तक छानबीन कर रहे हैं। जब तक हम जिंदा ये छानबीन चलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे दृश्यम 2 और भूल भुलैया 2 के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि दोनों फिल्मों में से किस फिल्म ने बाजी मारी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और तब्बू लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 3,750 स्क्रीन के साथ 20 मई को रिलीज किया गया था। दोस्तों अगर बात करें कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 14 करोड़ 11 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 186 करोड़ 7 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था, तो 221 करोड़ 60 लाख का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 42 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 264 करोड़ 40 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 56 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब जानते हैं दृश्यम 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों दृश्यम 2 के रिव्यूज अच्छे पॉजिटिव आए हैं, जिसके चलते इस फिल्म की स्पॉट बुकिंग तगड़ी हो रही है। ओरिजिनल दृश्यम 2 हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए रीमेक दृश्यम 2 में अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। दृश्यम 2 पोस्ट पैंडेमिक के बाद पहली रीमेक फिल्म बन सकती है जो बॉक्स ऑफिस में हिट होगी। दोस्तों अगर बात करें स्क्रीन काउंट की, तो इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 4,300 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। इस फिल्म की मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी लगभग 17% तक नजर आई है, तो आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी लगभग 26% तक दिखी है। इस फिल्म की इवनिंग एंड नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी 45% से भी ज्यादा दिख रही है। तो दोस्तों ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से ये फिल्म अपने पहले दिन में इंडिया में लगभग 13 करोड़ का नेट कलेक्शन करने जा रही है। पहले दिन का फाइनल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा कि दृश्यम 2 भूल भुलैया 2 को पछाड़ पाएगी या नहीं। दोस्तों अगर बात करें बजट की, तो दृश्यम 2 का बजट लगभग 80 से 90 करोड़ के रेंज में है। वैसे दोस्तों अगर आपने दोनों फिल्म देख लिया, तो आपको दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।